गुड मॉर्निंग बेटा, हाउ आर यू? आई होप यू विल बी फाइन। क्लास 4th एंड क्लास 5th, ये आपके लिए एक्टिविटी है आर्ट एंड क्राफ्ट का। मैं आपको हनी बी बनाना सिखाऊंगी। हनी बी बनाने के लिए आपको क्या क्या चाहिए? आपको 4 सर्कल चाहिए, ठीक है? 2 येलो, ठीक है, और 2 ब्लैक। 1 2 येलो, 2 ब्लैक, और हाफ सर्कल ये वाला चाहिए, ठीक है? ये वाले आपको हाफ सर्कल 4 चाहिए, ठीक है? ये 3 हो गया, ये 4 चाहिए। देखो क्या क्या चाहिए, 2 येलो, 2 ब्लैक और 4 ये हाफ सर्कल। ये वाइट कलर भी आप यूज़ कर सकते हो इसकी जगह, ठीक है? और 2 छोटे छोटे येलो सर्कल, ठीक है? और इसके हेड के लिए हम बनाएंगे, इसका एंटीना बनाना है, तो वो मैं कट करके दिखाती हूँ। देखो मैंने इतना सा पेज लिया, अभी मैं इसका एंटीना बनाऊंगी, ठीक है? कट करके अभी मैं इसको बीच में से कट कर दूंगी। ये देखो 2 एंटीने बन गए, ओके। और ये आपका हाफ सर्कल मैंने ग्लिटर शीट का काट दिया माउथ के लिए, ठीक है? अब हम शुरू करें कि ये कैसे बनाना हमने, ठीक है? अभी मैं इसको साइड में रख देती हूँ। ये सामान चाहिए आपको सारा, ठीक है? पहले आप ये जो 4 सर्कल मैंने सबसे पहले निकाले थे, पहले आप ये वाले सर्कल ले लो। इसको कैसे अरेंज करना है देखो, पहले ब्लैक, ठीक है, फिर येलो, फिर ब्लैक, फिर येलो, ओके बेटा? इसको ऐसे करना है। अभी इसको पेस्ट करते हैं, ठीक है? अभी मैं इसको फेविकॉल से पेस्ट कर दूंगी। मैंने इसको पेस्ट कर दिया, ठीक है? ये ऐसे बन गया, ओके बेटा। अब मैं क्या करूँगी, इसके एंटीने लगाऊंगी। अब यहाँ पे पीछे हम इसके एंटीने लगाएंगे ऐसे करके, और एक ऐसे करके, ठीक है? उल्टा कर लें इसको। इसमें भी मैंने फेविकोल लगा दिया, एक यहाँ पे फेविकोल लगा दिया और यहाँ पे। अब इसके एंटीने को पेस्ट कर दूंगी ऐसे, और इसको ऐसे, ठीक है? अभी ये देखो, ये बन गए हमारे एंटीने, ठीक है? अब ये जो छोटे छोटे सर्कल काटे थे ना मैंने, ये हम एंटीने के ऊपर लगाएंगे ऐसे करके। अब इसको हम फेविकोल लगाओ सर्कल को, और इसके ऊपर लगा दिया मैंने एंटीने के ऊपर। फिर ये दूसरा सर्कल लगा दिया मैंने इस एंटीने के ऊपर। इतना तैयार हो गया हमारा, ठीक है? अब ये जो है, ठीक है, ये जो हाफ सर्कल थे मैंने 4 आपको दिए थे, अब हम ये लगाएंगे, ठीक है? ये कैसे लगाना है मैं अभी बताती हूँ आपको, ओके? देखो पहले तो आप उल्टा कर लो इसको, यहाँ आगे नहीं लगाने, ये पीछे से लगाने हैं, ठीक है? ये ऐसे करके, और ये इसको ऐसे करके लगाना है आपने, ठीक है? ये ऐसे करके, ओके। और इसको भी ऐसे, फिर ये ऐसे। अब इसको पेस्ट करें, चलो उल्टा करेंगे, ठीक है? तो
मैं अभी आपको स्टेपलर से स्टेपल करके दिखा देती हूँ। इसको ऐसे रखा मैंने, इसको ऊपर की तरफ थोड़ा सा लेके जाएंगे, ठीक है। अब मैं स्टेपल कर देती हूँ इसको, ये ठीक है। अब दूसरा वाला लगा लेंगे, ठीक है। इसको मैंने स्टेपल कर देना अभी, ये एक तरफ लग गया ना हमारा। अब दूसरी तरफ लगाएंगे, पीछे से लगाना, ये ध्यान रखना, पीछे से लगाना ये। और ये यहाँ से और इसके सामने लगाना है, बिल्कुल इक्वल लगाना है आपने। देखो इक्वल है, इक्वल होना चाहिए, ठीक है। ये हो गया ऐसे इक्वल। अब मैं इसको स्टेपल कर दूंगी, कर दिया स्टेपल, ठीक है। अब ये दूसरा वाला लगा दूंगी, ये देखो लग गया ना। अब हम इसका फेस बनाएंगे, ओके। अब फेस बनाने के लिए मैंने मार्कर ले लिया है, अब इसकी आईज बनाऊंगी मैं पहले। छोटी छोटी, ठीक है। और यहाँ पे छोटी छोटी आईज बना दी मैंने, ठीक है। फिर यहाँ पे छोटी सी इसकी नोजी बना देंगे, ओके। और यहाँ इसकी आईज लैशेस टाइप बना देना ऐसे करके, ठीक है। अब मैंने इसका माउथ भी बनाया था ग्लिटर शीट से, अभी मैं वो लगाऊंगी। वो कहाँ लगाएंगे, यहाँ पे देखो स्माइल कर रहा ना हमारा हनी भी, स्माइलिंग स्लैम स्माइली ऐसे आ जाएगा, ठीक है। अभी हम इसको इसको फेविकोल से मैं लगा दूंगी। फेविकोल लगाया और इसको मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया। ये देखो ये हमारा क्या बन गया, हनी बी। एक चीज रह गई और टेल, इसकी टेल, टेल ऐसे कट कर देनी है आपने, ये देखो ट्रायंगल शेप में, ठीक है, ये ट्रायंगल शेप में। अब इस टेल को मैंने कहाँ लगाऊंगी, इसके पीछे, ठीक है, ट्रायंगल शेप में लगा दूंगी। इसको फेविकोल से लगाती हूँ मैं, यहाँ पे फेविकोल लगाया और पीछे से लगाएंगे, ठीक है, पीछे से लगाएंगे और सीधा कर देंगे। ये देखो ये बन गई हमारी हनी बी। क्या बन गई, हनी बी, है ना, हनी बी बन गई ना ये हमारी, ओके बेटा। ये आपको बनाना है फोर्थ क्लास और फिफ्थ क्लास को, और मुझे ये बना के आपने पिक्चर क्लिक करके भेजना है नेम के साथ, ठीक है। मैं चेक करूँगी, ये आपकी हनी बी बन गई, ओके ओके स्टूडेंट्स, बाय, हैव ए नाइस डे।